हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अल्पा जसानी। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हूं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देने के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ बढ़ रहे हैं इस साल इस बार बच्चों में कोरोना के केसेस। सो क्या चीज़ें हैं जिसका हम रख सकते हैं ख्याल? इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। फर्स्टली, क्या होते हैं बच्चों में कोरोना के लक्षण, एंड सेकेंडली, क्या है इम्पॉर्टेंट डूज और डोंट्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। राइट, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं। बट काफ़ी सारे बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, थ्रोट पेन, वीकनेस, टमी पेन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब होते हैं माइल्ड सिम्टम्स। ये बच्चे जो हैं, ये सारे बच्चे, उनको हम घर पर अच्छे से होम क्वारंटाइन में मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट में रहें, कांटेक्ट में रहें, और जैसे वो आपको गाइड करते हैं वैसे ट्रीटमेंट करते रहें। अब बात करते हैं मॉडरेट टू सीवियर केसेस की। इस वेव में कोरोना के कुछ केसेस सीवियर भी हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी पड़ रही है। वो होते हैं तब जब होता है हाई ग्रेड फीवर, एक्सेसिव वीकनेस, लेथार्जी, कन्फ्यूजन, छोटा बेबी है तो एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग ना लेना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। अगर इसमें से कोई लक्षण होते हैं और आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूर करवाएंगे। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। सबसे पहली चीज़ SMS, यानी कि डूज में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ बच्चों को बाहर बिल्कुल भी लेके ना जाएं। अगर बाहर लेके जाना बहुत ज़रूरी है तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी ज़रूर मेंटेन करें। दूसरी चीज़, बच्चों को मास्क ज़रूर पहनाएं, अ गुड टाइट फिटिंग मास्क विच कवर्स नोज एंड माउथ प्रॉपरली रियली सेव्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन। तीसरी चीज़, सैनिटाइजेशन। हैंड्स को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें, यहाँ सब जगह पे फेस पे टच ना करें अगर आप बाहर हैं। सो अब बात करते हैं दूसरे डूज की। सबसे बड़ा डू रहेगा, अगर आप होम क्वारंटाइन ट्रीटमेंट में हैं तो अच्छे से मॉनिटर करें। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में आपके पीडियाट्रिशियन, आपके डॉक्टर आपको ज़रूर गाइड करेंगे। टेम्परेचर मॉनिटर करें, ऑक्सीजन मॉनिटर करें यानी कि ऑक्सीमेट्री करें, ऑक्सीमेट्री का ध्यान रखें। और आप क्या करेंगे, आप पल्स का ध्यान रखेंगे। राइट, पल्स रेट, ये सब चीज़ें पल्स ऑक्सीमीटर जैसे छोटे से इंस्ट्रूमेंट से आप आराम से मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से। सो एक थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं मॉनिटरिंग में अगर बच्चा आपके होम ट्रीटमेंट में है। अब बात करते हैं डोंट्स की। इतने सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी कई लोग अभी भी माइल्ड फीवर या कफ कोल्ड को लाइटली लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण डेवलप होते हैं या आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो आप आइसोलेशन में ज़रूर रहें। आप अपना सोशल कांटेक्ट लिमिट रखें। बच्चे के कोई भी फ्रेंड में से कोई पॉजिटिव आया है तो अपने बच्चे को ज़रूर आइसोलेट करें। छोटा बेबी है, अकेला आइसोलेट नहीं हो सकता, तो उसके साथ एक पेरेंट को आइसोलेशन में रखें। इससे क्या होगा, आपके घर में इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रुक जाएगा। ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें, ये डोंट आप ज़रूर फॉलो करें। अगर कोरोना के कोई भी लक्षण आ रहे हैं, आइसोलेट हो, तुरंत टेस्टिंग कराएं। तुरंत टेस्टिंग और तुरंत ट्रीटमेंट से हम काफ़ी सारी सीवियरिटी को स्टॉप कर सकते हैं गाइज। ये वेव हमारे बच्चों पर थोड़ा भारी है, तो चलिए साथ मिलकर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बचाते हैं हमारे बच्चों को कोरोना से।